हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डीजे आर्मी सेटअप एंड लक्ष्मी कैबिनेट। दोस्तों आज आप लोग देख सकते हो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं लक्ष्मी कैबिनेट का जो है बोरा पट्टी का शोरूम मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक मैंने 6 महीना हो चुका है, 6 महीना या 1 साल होने को जा रहा है जो कि मैंने बोरा पट्टी वाला जो शोरूम है मैंने नहीं दिखाया था। तो दोस्तों आज आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से देख सकते हो, इधर से अगर आप लोग ये रास्ता अगर आप लोग जानते होंगे तो देखे होंगे तो ये झरिया पड़ता है। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये साइड का भी रिव्यू आप लोग देख सकते हो कि ये झरिया पड़ता है और ये बोरा पट्टी इसको कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लक्ष्मी कैबिनेट का शोरूम जो है देखने को मिलेगा और देख सकते हैं कि लक्ष्मी कैबिनेट का शोरूम आप लोग को यहाँ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लक्ष्मी कैबिनेट के शोरूम में आपको कैसा किस टाइप से देखने को मिलेगा, ये आप लोग देख सकते हो कि टाइगर वाले जो जाली जो आप लोग का डिमांड रहता है यहाँ पे देख सकते हैं टाइगर वाला जाली। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे येलो लेजर कटिंग में जाली। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोग को बहुत सारा जो है कैबिनेट देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऊपर में आप लोग ट्विटर भी देख सकते हैं और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ट्विटर में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका हाइस वगैरह लगा हुआ है जो कि आपका कलर वाइज जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर आपको देखने को मिल रहा है। और ये आपको पतला हाइस में भी आप लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और भी बहुत सारा चीज़ जो है जो स्पीकर वगैरह यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ जैसे कि दोस्तों पहले से ही ब्लैक डायमंड जिसे कहा जाता है धनबाद का जान ब्लैक डायमंड, तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का कैबिनेट भी आपको देखने को मिल रहा है प्लस हाइस। इसका लुक दोस्तों बहुत ही हैवी लुक है, लगता है जैसे कि घर का जो बुफर टाइप का नहीं होता उस टाइप से इसका लुक देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइगर जाली में, जो कि मैंने आपको ये जाली आपको दिखाया है लेकिन आज आपको सिटिंग में मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपका ट्विटर वगैरह सारा चीज़ है। और उसके बाद मैं आपको इनसाइड शॉप लेके जाने वाला हूँ, शॉप के अंदर आपको लेके जाने वाला हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको मिनी सेटअप में भी चाहिए, छोटा सेटअप में भी, तो छोटा सेटअप भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये आपको देख सकते हैं दोस्तों ट्विटर भी है। और प्लस मैं अब अंदर जा रहा हूँ और हमारे यहाँ कस्टमर भी बहुत मिलता है, यहाँ पे कस्टमर देखे सर, यहाँ कस्टमर का भी भीड़ लगा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो दोस्तों किस तरह से शोरूम को डेकोरेट किया गया है। फिलहाल बहुत दिन से यहाँ पे बंद था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे सारा चीज़ को सजाया गया है। ये आप लोग देख सकते हो सारा चीज़ जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर भी एक कैबिनेट रखा गया है और वो साइड जो है जाली रखा गया है। और साथ ही देख सकते कि यहाँ पिक्सल का जो है फ्लोर सीट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि गोदाम में तो आप लोग देखते ही हैं। उसके बाद यहाँ पर शोरूम में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बंटी भैया बैठे हुए हैं और किन्हीं से बात कर रहे हैं। और माइक वगैरह जितना भी देख सकते हो दोस्तों, कॉयल हाइस वगैरह का जितना किट वगैरह सारा चीज़ है, वायर देखिए केबल वायर सारा चीज़ जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और प्लस इधर पार्लाइट वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद इधर स्पीकर वगैरह भी सारा चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, जिस तरह से आप लोग को चाहिए उस तरह से मिल जाएगा। इवन अगर आप लोग को जाली का भी रिक्वायरमेंट हो तो जाली भी मिल जाएगा, वो भी हर तरह का, जैसे टाइगर जाली का भी चाहिए तो टाइगर जाली को भी आप लोग देखने को मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइगर जाली का रखा गया, ये देख सकते हैं टाइगर जाली का जो है आपका जाली यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर से ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो है आपका टाइगर जाली, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइगर जाली जो है आप लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद शोरूम में अभी घुस रहा हूँ दोस्तों, ये आपका लक्ष्मी कैबिनेट का शोरूम है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि बंटी भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जय श्री राम बंटी भैया। आज बहुत मतलब महीना लगता है कि 6-7 महीना हो गया होगा यहाँ पे आया हुआ और आपको यहाँ देखते हुए, जो कि बहुत दिन पहले, हाँ बहुत दिन पहले आपको यहाँ से हम लोग भेंट किए थे आपसे, और बाकी तो गोदाम में आपसे भेंट होते रहता है। तो यहाँ का भी मार्केट किस तरह बंटी भैया? मार्केट सब आपका देन है, यूट्यूब का पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का प्यार। जान चुका है कि भैया हमको काम चाहिए, नाम नहीं चाहिए। सही बात है, जिसका काम रहेगा जिसका गारंटी रहेगा वही चीज़ हमको चाहिए। सही बात, इन्हें भी फलनवा का है ढकनवा का है बोल दिए ले जाइए ना भैया। उन्हें कस्टमर जान गया है कि कोई भी कंपनी का माल है, हाँ। उसको हम चेक करेंगे, हाँ। और कोई अदर कंपनी है, हाँ। उसको चेक करेंगे, जो अच्छा रहेगा वही हम लगाएंगे, किसी के नाम से नहीं चाहिए हमको, काम से चाहिए। सही बात है, तो कस्टमर जान चुका है कि जो गारंटी देगा, हाँ। जो गारंटी देगा, हाँ। उसी से हम माल लेंगे। चलिए आप कुछ भी है आप अपना घर में है, सही, मगर जो गारंटी देगा, हाँ। वही फील्ड में चलेगा। सही बात, अभी जाकर देख लीजिए आप गोदाम में, हाँ। का भीड़ है का नहीं है। सही बात, नहीं मैंने देखा, आप रिक्वेस्ट किया है कि भैया
आप तो खाली बजरंग बली के सेवा में रहते हैं, कम से कम बोरा पट्टी में भी चलिए। सही बात। तो आपको हम समझे बूझे तो बोले चलिए। अभी भी कस्टमर लोग फ़ोन कर चुका है भैया आइए ना, हम बोले आ रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं। तो बंडी भैया, जैसे कि अभी सरस्वती पूजा का जिस तरह आपने ऑफर करा था कस्टमर के डिमांड से, कि आपको मतलब उस दिन जिस दिन मैं आया था यहाँ पे एक बार गोदाम, तो उस वक्त कस्टमर बोल रहा कि भैया आप सरस्वती पूजा का ऑफर अभी से दे दीजिए ताकि जो है कस्टमर को खरीदने में दिक्कत ना हो। तो किस तरह से अभी उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक है। हाँ, कस्टमर यही बोलता है कि भैया आप बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, हम आपका वीडियो 1 साल से देख रहे हैं। हाँ, बोलता है 1.5 साल से देख रहे हैं। हाँ, कहीं बोलता है भैया आप अपना चैनल कायल खोलते हैं। हाँ, आप आर्मी सेटअप का चला रहे हैं ऐसे। हाँ, वैसे। हाँ, हम बोले भैया वही है। हाँ, जो आप लोग को बढ़िया माल मिल रहा, हमको तो इस उनका नॉलेज नहीं था, खाली हमको माल बेचने का नॉलेज था। हाँ, मगर आप इसी का देन है आर्मी सेटअप वाला को कि आप मेरा गोदाम में आया, कोई कस्टमर को लेकर आया था, वो बेचारा दिलाने आया था। जब सुना हो कि कैबिनेट में 15 साल का गारंटी है, पहले 5 साल दिया, फिर 10 साल दिया, फिर 15 साल दिया। सही बात। तो खुद बोला कि पूरा एरिया में घूमते भी है मगर आपका नियर कोई दुकानदार हम देखे नहीं। नहीं, सही बात। इतना लंबा चौड़ा गोदाम, इतना गारंटी के साथ, इतना विश्वास, इतना सुविधा के साथ, मगर आपका हम वीडियो बनाएंगे। थोड़ा हमको लगा ढुकुर ढुकुर, मगर हम सीए से बात किए, बोला कोई दिक्कत नहीं, काम करिए ना, सब GST PST सब आपका ओके, टेंशन का है, आप नया लड़का थोड़ी ना। सही बात। अब 20 साल से दुकानदारी कर रहे हैं। सही बात। तो उस आधार पर आपको हम बताएं, आप भी बताएं, तब आप मेरा नंबर डालें। सही बात। तो आपका थ्रू से पुराना ग्राहक तो अब नज़र आता है, मगर नया ग्राहक उससे ज़्यादा नज़र आता है। चलिए, बहुत तो कस्टमर लोग बोलता है कि भैया जो आप बोलते हैं ना एकदम सॉलिड बोलता है, मगर कोई दुकानदार नहीं बोलता। कितनो नामी से नामी रहे या कितनो वो पॉपुलर रहे, मगर इन्हें बोलता कि मेरा मशीन एगो डुप्लीकेट होगा तो 10 को फ्री देंगे, एगो मिक्सर डुप्लीकेट होगा तो 10 को फ्री देंगे, एगो स्टेपलाइजर डुप्लीकेट होगा तो 10 को फ्री देंगे, एगो डीएट जे भी मशीन का सारा चीज है डुप्लीकेट होगा तो 10 को फ्री देंगे। खाली यही बोलता, भैया आप आए धन्यवाद, ऐसे वैसे फलानवा ढकनवा, खाली वो माल बेचने के चक्कर मतलब, मगर आपका वीडियो आर्मी सेटअप वाला का साथ में आपका जो जोड़ी लगता है, लगता है राम और लक्ष्मण का जोड़ी है, समझिए ना। चलिए, वही हम बता रहे हैं। सही बात है। कस्टमर कल आया यामा का मिक्सर लेने। हाँ, हकीकत कहानी बता। हाँ, बंधन के नीचे। हाँ, बोला भैया बहुत आपका वीडियो हम देख रहे थे, मिक्सर चाहिए हमको 10 चैनल का। हाँ, हम बोले भैया हम पता करते, फोन किए अपना कंपनी को। हाँ, तो बोले भैया अभी यामा का मिक्सर अभी बंद है। हाँ, तो आएगा तो हम बता देंगे। हाँ, तो अगला बोला भैया हमको मार्केट में मिल रहा। हाँ, हमने मिल रहा तो ले लीजिए। हाँ, बोला आपके लिए लिखित कोई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, सही बात। हमने लिखित नहीं दे रहा तो हफ्ता भर रुक जाइए। तो बोला ले कि नहीं ले भैया, बोले आपका मैटर है। हाँ, आप बोले नहीं भैया हम नहीं लेंगे। हाँ, तो बोले वही बात तो हम बनाना समझाना चाहते कि आपका माल ओरिजिनल है तो आपको चिल्लाने में क्या दिक्कत है। सही बात। आपका माल गलत है इसीलिए तो आप ठंडा डर रहे हैं, अब ठंडा छिपा के रखे, जो नया ग्राहक है उसको डीप एल दिए, जो होशियार है उसको ओरिजिनल दे दिए, तो भैया उसमें धंधा मत करिए। हम बता रहे आपको, जब कैबिनेट उठाने में स्टाफ लोग कभी कभी नहीं आता, इन्हें हम बड़ाई नहीं करेंगे कि भैया हम मालिक है तो हम ही सब, हम नहीं करते, मेरा स्टाफ करता, हम भी करते। जब बॉक्स को उठाते हैं ना, 3-15, 4-15, 5-15 तो लगता है बाप रे, बहुत कठिनाई वाला काम है। सही बात। कैसे आदमी लोग झेलता, मगर आदमी लोग नहीं झेलता, सब भगवान झेलता। सही बात। भगवान खाली ताकत देता कि बेटा तुमको एगो जरिया बताए, सुन रहे पहले। हाँ जी। कि जरिया दिए, गाड़ी का सब टोटल फंक्शन रहता मगर चलाता इंसान, इंसान है। तो वही समझिए कि इंसान है ग्राहक। सही बात। टोटल चीज भगवान का। हाँ, मगर चलाने वाले वो इंसान चाहिए। सही बात। तो लक्ष्मी कैबिनेट का टोटल माल भगवान का, इतना याद रखिए। सही बात। चलाने वाला खाली एगो सेवक हम है, बात समझ रहे। नहीं, नहीं, सही बात। तो वही हम ये चीज जाने हैं कि इतना भारी भड़का, अगला का शादी ब्याह कुछ भी हुआ, फंक्शन दर्शन, बहुत कठिनाई से पैसा आता है। सही। और उसका साथ हम गलत करें, नहीं उससे बड़ा गलत हम है। सही बात। तो ये एक्चुअली बात है ना दोस्तों, कि मैं यहाँ पे जो वीडियो बनाने का मेरा रीज़न कुछ और नहीं था, बस इतना ही था कि मुझे यहाँ जब आया, मुझे यहाँ बंटी भैया का पहले तो बात व्यवहार बहुत अच्छा लगा, शशि भैया जो इनका बड़े भाई है उनसे भी बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, जो कि यहाँ का माहौल मतलब बोले तो यहाँ सारा स्टाफ बहुत ही बढ़िया था, जैसे मैं आया बहुत इज्जत दिया, और इवन सारे कस्टमर को भी इज्जत दिया जाता है। कभी आप भी आके देखिए, अगर आपको भी इज्जत का कोई कमी रहेगा तो फिर हमें बोलिएगा, है ना। जम्मू का कस्टमर आया हुआ 4-15 लिया है। हाँ।
तो अभी एगो दोस्त उसको मिल गया हाँ। उसी के पास है हाँ। वो आएगा, वो खुद बताएगा आपको हाँ। कि हम आपका मेरा मिलन काहे न हो रहा था, साल भर से आपका वीडियो देख रहा, सही बात, खाली इसका कमी था, फिर हम किए 5 महीना खटे हाँ। तब पैसा मेरा हो गया, तब आपके पास आया, वो खुद बताएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये चीज़ जो है आपको जानना भी चाहिए। और कहे का मतलब एक मिनट कि कुछ लोग के हम लोग से हाँ। बहुत तकलीफ है हाँ। आज से करीब 3-4 दिन पहले हम पेपर पढ़े थे तो मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, समझिए वो भगवान है हम लोग के हाँ, लिए। सही बात, वो मानिए या मत मानिए हाँ। क्या वो जगह सही काम करे वाला सब नाम लेता है, सही बात, गुण का हाँ। गुण का नाम है, सही बात, सूरत का काम नहीं, ना, ना। जिसका अंदर गुण है काम है वही काम करेगा। तो मोदी जी वो पेपर में लिखे थे कि नित दिन हम 3 किलो गाली खाते हैं, गाली मतलब समझे हाँ जी, गंदा गंदा गाली समझे, हम नित दिन खाते हैं। तो भैया उतना बड़ा प्रधानमंत्री होने के बाद ऐसा वर्ड बोल सकता है तो हम लोग तो समझिए उसका कुछ नहीं, वो बाल बराबर भी नहीं, सही बात। मेरा कहे का मतलब वो इतना सह सकता है तो हम लोग कहें सह सकते हैं। मेरा कहे का मतलब जो माल आपको कहूँ भी मिल रहा वो माल हम दे रहे हैं, बात समझिए, उसमें गारंटी दे रहे हैं, उसमें ऑफर दे रहे हैं, उसमें हम व्यवहार दे रहे हैं। एक माल के चक्कर में 3 फायदा आपको मिल रहा, बोले कैसे कैसे। पहला नंबर जहां आपको माल मिल रहा वो मिल रहा हाँ। जो रेट है उससे भी थोड़ा 19-20 कम मिल रहा, सही बात। दूसरा नंबर व्यवहार मिल रहा, तीसरा नंबर ऑफर मिल रहा, सही बात। मेरा कहे का मतलब ये आपका माल बढ़िया है, सही, आपका काम बढ़िया है तो आप गारंटी दीजिए ना जी, सही बात है। आप कहे झूठ मूठ के क्या बोलता है उसको घुमा के रखा, घुमा के रख ले, सही, तो जो कर रहा उसको करने दीजिए, जो ले रहा उसको लेने दीजिए, जो ले रहा उसको दिक्कत है, बात समझ रहे हैं, जो लेगा उसको दिक्कत, आपको क्या दिक्कत, आपको दिक्कत है तो आइए बंटी साहब के सामने। और कोई भी आपका अगल बगल में लगा है कि लक्ष्मी कैबिनेट के प्रति कैबिनेट खराब है, ऐसा है वैसा है, तो आप आइए ना, सही बात है, आप आके आपका सामने ऑनलाइन हाँ। पूरा वीडियो करिए हाँ। पूरा कोई भी गलती एरिया देखेगा हाँ। पूरा पूरा वर्ल्ड देखेगा, सही बात, कि लक्ष्मी कैबिनेट का बॉक्स खराब है, देखिए वापस कर रहा कि नहीं कर रहा, सही बात, उसका बाद हम ना जानेंगे, सही बात। बोलता है कि जब हाथी चलता तो कुत्ता भुगता, सही बात। अब हाथी से ज्यादा कुत्ता में ताकत होता तो हर गांव में कुत्ता पालता, सही बात, हाथी या गाय नहीं पालता, बात समझ रहे। तो मेरा कहे का मतलब यही है कि भैया भूख रहा उसको भूखने दीजिए, काम से काम मतलब रखिए। देखिए तो जैसे कि अभी मतलब सरस्वती पूजा को लेकर अगर आप कुछ बोलना चाहें कस्टमर, क्योंकि कस्टमर सरस्वती पूजा को लेकर वेट करता है। समझ गए मालिक, आप सुनिए ना एक मिनट हाँ। सुबह से लेके करीब 8 कस्टमर मेरा गोदाम में आप वीडियो कर सकते हैं, हम भी कर चुके हैं, सब बोल रहा भी हम कोई अलाल दलाल को लेके नहीं आए हाँ। न कोई साउंड वाला ले आए हाँ। मगर जो आप बोलते हैं ना हाँ। टेम्पो में बैठा था पार्टी हाँ, हाँ, हाँ। बोला हमको झरिया जाना है, तो टेम्पो वाला क्या बोल रहा उसको कि भैया झरिया कौन जगह जाना है, पार्टी बोला भैया आप खाली झरिया हमको पहुंचाइए ना, वो लक्ष्मी कैबिनेट हमको खुद लेने आएगा। इतना दलाल लगा ले, वो ट्रेन में बैठल था वो बोला कि भैया हम माल लेने जा रहे, बोलो फलानवा का नाम तो ऐसा ना, बोलो फलानवा गारंटी नहीं दे रहा, सही बात, बोले फलानवा कितनों नाम है, ढकानवा कितनों नाम है, तो कोई गारंटी नहीं दे रहा भैया, सही बात है, हमको नाम नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, सही बात, हम कमाने के लिए बैठे हुए तो नहीं, वो देखने आएगा ना, नाम देने में काम नहीं आएगा। बोला भैया हम कमाने के लिए बैठे हुए, हम कंपटीशन नहीं करेंगे, सही बात, कंपटीशन जैसे किया वो आज तक नजर नहीं आ रहा, सही बात, कहाँ उसका जनरेटर टना गया, कहाँ उसका बॉक्स टना गया, कहाँ उसका मशीन टना गया, तो कंपटीशन हम नहीं करेंगे भैया, हम कमाने के लिए बैठे हुए, सही बात, कि मेरा आज 4 गो माल लिए, कल मेरा 8 गो हो गए, 8 गो से 16 गो हो गए, सही, बस यही है। तो बंटी भैया जैसे कि अभी मतलब मार्केट का जो माहौल है, कस्टमर का डिमांड अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ में अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कैबिनेट में ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कस्टमर? वही चाह रहा है कि जो मेरा एरिया में हाँ अच्छा रहे, अच्छा बजे, देखने में भी अच्छा रहे, गारंटी भी रहे, वही देख रहा। और जैसे मशीन में बात किया जाए तो अभी मशीन जैसे 1K, 2K, 3K, 4K, 5K इतना ही तक का मशीन अभी है ना, और नीचे जो है सो है, लेकिन ऊपर का बाद में बात कर रहा हूँ। तो स्टेंजर में अभी सबसे सक्सेसफुल मशीन में से कौन सा मशीन? ओरिजिनल लीजिएगा, सब सक्सेसफुल है, मतलब एक फिर भी एक सक्सेसफुल टोटल टोटल A to Z उसका 100 वाट से लेके या 40 वाट से लेके आपको ओरिजिनल मिल जाता है तो सब सक्सेसफुल है। अच्छा, जे जे लेके गया है डुप्लीकेट वो अपना आपको बताएगा कि भैया ऐसे है वैसे है, सही बात, ई नहीं चलता वो नहीं चलता, हम तो लिखित देते हैं
जो मशीन मेरा सक्सेस नहीं है, जो ओवरलोड मारता है वो माल ला के वापस करिए। चलिए बहुत बढ़िया बंडी भैया, बहुत अच्छा लगा आपका जो आप भैया जिसका तिसका जगह से अलाल दलाल के चक्कर में फंस के आप ले लिए, आपको पता नहीं कि आपका जो बाप था कि चचा था कि भाई था कि भौजाई था वो कमीशन खा के बैठ गया, आप उस पर विश्वास कर लिए और उसके बाद बोलिए 5,000 मशीन सक्सेस न, तो 4,000 सक्सेस न, तो 3,000 सक्सेस न, तो अरे यार तो उसमें सब क्लियर लिखा हुआ रहता सही, तो आप उस पर आके मिलिए, और मिलने के बाद आपको हम खुद कंपनी से बात करवाएंगे। बात सुनिए मेरा, कि आप ये भी मशीन लिए हम कंपनी से बात करवाएंगे, वो कंपनी खुद जैसे आपका आधार कार्ड रहता ना उसे आधार कार्ड का नंबर जो रहता ना उसे मशीन का आधार कार्ड का नंबर रहता है, वो तुरंत टाइप करेगा बोला हाँ ये मशीन ओरिजिनल है, बात खत्म। डुप्लीकेट है तो दुकानदार का गट्टा धरिए, उसको लेके चलिए थाना। और एक बात है बंडी भैया, जैसे कि आपको मैंने मतलब जैसे कि 6-7 महीना पहले इस मैंने शोरूम पे आपको देखा था, और आज मैंने बहुत दिन के बाद यहाँ पे जो आप आए हैं, तो यहाँ का जो फीलिंग है और कस्टमर का जो है आना जाना कैसा आपको लगता है भैया? देखिए वो बात बोले हाँ जी, जे बोले सच बोले हाँ, हमको वहाँ से फुर्सत नहीं, वो तो आप रिक्वेस्ट किए हाँ कि चलिए थोड़ा बोरा पट्टी में थोड़ा इंटरव्यू दे दीजिए, ऐसे वैसे पूरा हाँ, कस्टमर लोग को पता चले हाँ, कि हम लोग जे भी है आप ही की कृपा से है। बात सही बात, ये बात सही, आपसे कभी कृपा से है नहीं सही, आप है तो लक्ष्मी कैबिनेट नहीं नहीं सब ने है तो कोई नहीं, तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग का आशीर्वाद इतना बना हुआ रहे आपका भी, आप लोग का कस्टमर बहुत अच्छा लगा बंडी भैया की बात तो सुनिए, कि आपका भी आपका कस्टमर लोग का भी हाँ, इतना कृपा बना रहे हाँ, कि मेरा मन में कोई पाप नहीं घुसे, सही बात, इसी तरह हम काम करते रहे हाँ, आपका टोटल माल ओरिजिनल दे और कैबिनेट भी बढ़िया दे कि आप बढ़िया से कमाए या खाए, अपना परिवार को भी बढ़िया से दिखाए कि हम आपका हाँ, बेटा है भाई है पुत्र है जे भी जो भी रिश्ता से आपको देखता है रिश्ता को आप कायम रखें, सही बात, बस यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो दोस्तों बस मेरा कारण है, आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन मतलब जैसे कि आप कहीं भी अगर आप लोग हमसे भेटाते भी हैं और मीटअप में जैसे बहुत सारा जगह जो मीटअप में है आप हमसे भेट हो जाता है और आप बोलते हैं कि भैया आप लक्ष्मी कैबिनेट का ही वीडियो क्यों बनाते हैं, तो कारण यही है दोस्तों, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने का जो आप भी कहीं अगर आप लोग यूट्यूबर है तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं तो अभी लोग वीडियो बनाते होंगे, लेकिन यहाँ का जो इज्जत है देखिए हम भले कुछ है या नहीं, लेकिन बंडी भाई जिस तरह कह रहे हैं कि आपके वजह से भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं और बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसी वजह से यही कारण है जो मैं यहाँ लक्ष्मी कैबिनेट पर ही वीडियो बनाता हूँ, मेरा यही कारण है। और सबसे पहला कारण, इससे भी बड़ा कारण है तो यहाँ का सामान, यहाँ का मटेरियल, मुझे भरोसा है। और भरोसा अगर बातचान देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान है दोस्तों, इसका कोई गारंटी रहता नहीं है, लेकिन आदमी गारंटी देता है क्योंकि उसको रिपेयरिंग करके या तो उसको एक्सचेंज करके उसका जो डेट रहता है उसको जानता है कि इतना कॉन्फिडेंस कितना दिन चलेगा, उस वजह से वो लोग गारंटी दे देता है। लेकिन सामान का कोई चीज़ का इंसान का भी तो गारंटी नहीं रहा, तो सामान का क्या गारंटी रहेगा? लेकिन बोलता, दोस्तों बोलता है बहुत कस्टमर बोलता, सही बात है, लेकिन देखिए दोस्तों 5-15 साल का जो गारंटी यहाँ पे देने का दावा है, इसका वजह ये नहीं है कि 15 साल का गारंटी नहीं है, वो गारंटी नहीं, वो कॉन्फिडेंस है, वो भरोसा है कि ये मेरा कैबिनेट इतना दिन चलेगा। इस वजह से यहाँ जो है बंडी भैया उस चीज़ का गारंटी देते हैं, और कारण यही है दोस्तों। इसीलिए मैंने आप लोग से कहता हूँ कि दोस्तों सामान खरीदिए, जहाँ भी खरीदिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आपका पैसा है हाँ ना, आपका पैसा है, लेकिन सामान कहीं भी खरीदिए लिखित लीजिए, गारंटी में लीजिए, GST पेपर में लिखवाइए, और एक चीज़ आप सामान कहीं भी लीजिए सही लीजिए, क्योंकि आप लोग को मेहनत करके आगे अगर बढ़ना है तो सही सामान लेना सीखिए। और अगर आप लोग कहीं भी घूमते हैं घूमिए, हम कोई नहीं प्रॉब्लम है, आप लोग घूमिए हर जगह जानकारी लीजिए, लेकिन मैं आप लोग एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, और बंटी भैया के तरफ से नहीं, मैं अपने तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप लोग लक्ष्मी कैबिनेट में लास्ट टाइम ही एक बार आके देखिए, सब घूम फिर के आप लोग आइए लक्ष्मी कैबिनेट लास्ट बार, देखिए मैं बंटी भैया के सामने बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम आइए और एक बार खाली बंटी भैया से भेंट कर लीजिए, माल का जानकारी ले लीजिए, सामान का जानकारी ले लीजिए, और ये क्या जो बोलते हैं और बाकी जगह दुकानदार जो क्या बोले हैं वो चीज़ तो नोटिस कीजिए, उसके बाद आप लोग खरीदारी कीजिए। तो बंडी भैया लाइव तो बहुत बड़ा हो गया है, और हम मुझे लगता है कि सारे कस्टमर आपके बात को आपके कस्टमर आपको समझे होंगे और आपके बात को समझे होंगे। बात बोले हाँ जी, कस्टमर का जब बात आप सुनिएगा हाँ, हम सुन रहे हैं हाँ, विश्वास नहीं करिएगा, जब ये आमा वाला मिक्सर लेने आए थे हाँ, तो
सगरों पता क्या लिखित कोई नहीं दे रहा। हाँ। अभी ऐसा हो रहा ना, कोई भी प्रोडक्ट आ रहा हाँ। तुरंत फोटो खींच रहा, तुरंत भेज दे रहा फलानवा ही हाँ। तुरंत उसका डी करके भेज दे रहा। ओ भाई बात समझिए, हम नाम नहीं लेंगे किसी। हाँ, जहाँ जिस तुरंत डी भेज दे रहा हाँ। तो मेरा कहेगा मतलब तो वही पार्टी बोला भैया इसका ओरिजिनल चीज़ है सब चीज़, तो लिखित कहें दे सही जैसे आप दे रहे। तो मतलब भैया हम इस चीज़ में पढ़ेंगे नहीं, मगर आपको एक चीज़ बता दे रहे, कोई चीज़ भी आ रहा तो अंदर से फोटो खींच कर तुरंत व्हाट्सअप कर दे रहा जहाँ इसका मैन्युफैक्चर हो रहा, मैन्युफैक्चर डी वाला हाँ। तो तुरंत हो जा रहा। तो बोला भैया आप काहे दे रहे, बोले भैया मेरा पास जब आता है तो हाँ। बेच के हाँ। कोई कस्टमर को हम दौड़ाते नहीं, सही बात, विधि का विधान है हाँ। विधि का विधान है कि हम किसी कस्टमर को घुमाते हैं, कितनों लगन रहा वो आ गया मेरा दुआरी, बोलता भैया फलनवा इतना में दे रहा, आप इतना में कम में दे रहे, ऐसे वैसे। बोले बाबू हम कोई कस्टमर को दौड़ाएंगे ना, अगला तुमको नहीं दिया तुमको यहाँ लेना है उससे 1500 कम लगेगा, मगर तुम लेके जाओ समझे, और नहीं रहता है तो हम नहीं देते उसको, बात समझ रहे ना, सही बात, झोल झाल माल नहीं देना। नहीं नहीं जैसे तो कष्ट सुनिए मेरा बात तो सुनो। तो कस्टमर बोला, बोले भैया यही बात के लिए तो आपके लिए यहाँ बिजुन आते हैं कि नहीं रहता नहीं बोलते, और रहता है तो दे देते हैं, इन्हें कि पैसा चाप के लेते हैं कि अभी सरस्वती पूजा चल रहा तो अभी लगन चल रहा तो हम 2000-3000 सम जाके ले ले स्पीकर में बोल दे करे ये पुराना रेट का माल था ये नया रेट का माल है अभी इतना लगेगा जो रेट है आता क्या नहीं कर। सही बात। अब अगला आपको 50,000 एडवांस दे दिया, अब अगला को बोले ना भैया अभी इतना होगा इतना होगा, तो बेचारा देवे करेगा। सही बात। अब मगर मेरा में वो आदत भगवान कभी नहीं दिया। सही बात। जे रेट में आया है 200-250-300 जे भी मेरा निकलता वो रख के हम दे देते हैं। तो वही कस्टमर बोला भैया चलिए माल मिला या नहीं मिला खाली वो सेल्फी हो जाए बहुत जरूरी है ले लीजिए, बहुत अच्छा बात, अच्छा लगता है। देखिए कस्टमर माल या नहीं ले या कोई दिक्कत नहीं, सही बात, जब बोलता है ना दिल से हाँ। भैया अच्छा लगता है आपसे मिल के, सही बात, आपसे बतिया के, सही बात, मगर आएंगे आप ही के पास आएंगे, कब आना हम लोग जब कंपनी तरफ से हमको फोन आ जाएगा हाँ। तब हमको फोन करिएगा तो हम आपको बुला लेंगे। सही बात है। तो दोस्तों आप लोग ने देखा बंडी भैया का प्यार व्यवहार, और भी सारा सवाल है जवाब है जो बंडी भैया बोलते हैं, और भी बहुत सारा है, लेकिन लाइन टाइम जो है बहुत ही लेंदी हो चुका है, और मैं बंडी भैया को लास्ट बार यही कहूँगा कि बंडी भैया तो जितना भी कस्टमर आए वो हम बताते रहे आपको। हाँ जी। बंधन के नीचे एक अल्लाह है, दो लड़का है हाँ। बहुत हैवी माल लेके जा रहा है, चलिए दो गो आ रहा है, कोई एक गो आ रहा है, कोई तीन गो आ रहा है, कोई चार गो, कोई लगन है। कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया, ठीक है, कोई लगन है, वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि कस्टमर उसको एकदम चीप एंड बेस्ट में जो माल मिल गया वही माल कोई दलाल को लेके आता उसमें गया 25-30 हजार उसका गया गया, और सामान में तो माल तो ओरिजिनल मिल, किसी तरह देना ही पड़ता है, मतलब हमको देना ही पड़ता, हम कहाँ देंगे, हम पटिए से काट के देंगे। सही बात। हम कहाँ देंगे, आप भैया वो जिसको आप जानते ना पहचानते ना उसको लेके आए, अरे लेके आते हैं अपना माँ को अपना पापा को अपना भाई को। सही बात है। आप लेके आए किसको, जिसको कल को जानता था ना। सही बात। आप उसको लेके आए विश्वास किए, तो भैया वो आपका गलती, मेरा क्या गलती। सही बात। आपका पैसा हम उसी को देते हैं, और आपसे जो कमाया हूँ आप ही को देंगे ऑफर में। सही बात है। तो दोस्तों यही चीज है, और एक कस्टमर मेरे को फ़ोन किया था तो वो बोल रहा है कि भैया सामान हमको लेना है आपका, एक बार मतलब बताते रहे जो सेकंड हैंड माल था ना 4-15 3-15 रिपेयरिंग वाला निकल चुका है। अच्छा निकल गया ना। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आप लोग सेकंड हैंड सेटअप भी चाहिए तो आप लोगों को और भी चैनल में वीडियो है, आप लोग हाल फिलहाल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ये स्काई ब्लू कलर का वो है 3-15 प्लस साइज 8 पीस है 8 पीस हाँ 8 पीस है ना, तो उसका भी मैं वीडियो बहुत चालीस हजार 1,40,000 तो दोस्तों सब स्पीकर कोई नहीं कटा हुआ, कोई कटा हुआ नहीं। तो दोस्तों सारा चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा वीडियो पे, मैं दिखाऊंगा, इस वीडियो पे दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ, लेकिन अगले बार मैं यहाँ आके स्पेशली वीडियो बना के लेके जाएगा तो मेरा जगह खाली हो जाएगा। हाँ जी। काजे किया फोर्स में वो फोर्स में हाँ। बार बार उनको फोन करा भैया मतलब हम लोग हो जाएगा सब देख रहे। सही बात। फोन भी मेरा भी नंबर डाल दीजिएगा। हाँ जी हाँ। तो 10-12 को फोन आ चुका है। आ गया ना। बोरा कल आ रहा है, कोई बोरा परसों आ रहा है। हाँ तो आपके लास्ट में डाले थे, एकदम लास्ट टाइम में डाले है ना, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप बंडी भैया का ही नंबर डालेंगे, हम अपना नंबर नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे डीलिंग करना आता नहीं, मुझे सिर्फ वीडियो बनाना आता है, तो भैया को ही आप सारा हैंड ओवर करेंगे और आप भैया को ही परेशान कीजिए। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और एक चीज़ मैं कहूँगा कस्टमर लोग थोड़ा बोल दीजिए हाँ,
कि 9 बजे के बाद कॉल नहीं करेगा, 9 बजे के रात के बाद। हाँ विश्वास नहीं करे, हम 3 दिन से सोए नहीं, 3 दिन से सोए नहीं हम, 12:30 बजे कोई, 1 बजे कोई, 2 बजे। हम बोले भैया ये टाइम है, आप करिए ना सुबह करिए, बता दीजिए ना एक बार, आपका बात माने कस्टमर। तो दोस्तों आप लोग कॉल करने के टाइम में बता दे रहा हूँ, अच्छा कस्टमर आ रहा, वो कहूँ भूल चुक हुआ, 2 बजे रात को 3 बजे रात को कभी भी कॉल कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग कोई चीज का जानकारी चाहिए, स्पेशली कोई जानकारी चाहिए, तो आप लोग 9 बजे के बाद फोन नहीं कीजिएगा और 8 बजे से पहले नहीं, क्योंकि 8 बजे से पहले भैया जो है पूजा वूजा कर, 8 बजे बात करिए, 8 बजे बात कीजिएगा। और 9 बजे के बाद तो दोस्तों भैया का रेस्ट भी टाइम होता है, आदमी इतना खटेगा, इतना बड़ा गोदाम संभालेगा, तो सोने का भी रेस्ट भी चाहिए, वरना फिर आप लोग आइएगा तो कैसे भैया आप लोग का सेवा कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि 9 बजे के बाद कॉल नहीं कीजिएगा और सुबह 8 बजे से पहले कॉल नहीं कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर कहीं अगर आप लोग फंस जाते हैं, अगर आप लोग आ रहे हैं रास्ते में, तो आप लोग किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं। इवन अगर आप लोग अगर आप लोग कोई दिक्कत होता तो आप हमें फोन कीजिए, मेरा नंबर चालू रहता है, 24 घंटा चालू रहता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी चालू रहता है, सिर्फ वीडियो बनाते हुए मेरा थोड़ा सा बंद रहता है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, या तो फिर मैं आप लोग बता दूंगा कि बंडी भैया से बात करना है या नहीं है, आप लोग डायरेक्ट बंडी भैया से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जानकारी चाहिए तो 9 बजे के बाद नहीं और 8 बजे से पहले नहीं सुबह की, बस। तो चलिए दोस्तों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बुरा मत मानिए मालिक। तो दोस्तों देखिए, बस आप वीडियो का इन करते हैं, बहुत अच्छा लगा। बंडी भैया अपना सारा दिल का बात जो है बताएं और खुल कर बताएं, ये चीज बहुत अच्छा लगा। 3 दिन से सोए न, चलिए कोई बात नहीं, आप सोइए, नींद आता भैया, कोई बात नहीं भैया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए विषय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।